दोस्तों यार एक बहुत कमाल की ट्रिक पता चली है आईफोन के चार्जिंग साउंड को लेके। तो क्या है वो ट्रिक, एक बार देख लीजिए। तेरी ही जरूरत थी। तो गाइस अगर आप भी आपके आईफोन के पुराने चार्जिंग साउंड से यहाँ पे परेशान हो चुके हो और आपको चेंज करना है तो पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, काफी सिंपल है। बट बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके आईफोन में आपको शॉर्टकट्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपने अनइंस्टॉल किया होगा तो ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ऑटोमेशन पे आपको जाना है और वहाँ पे क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट पेज पे नीचे स्क्रॉल करना है और चार्जर का एक ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे इस कनेक्टेड का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पे एक एक्शन ऐड करनी है। एक्शन यानी कि जब हम चार्जर कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद में क्या एक्शन होगा वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आप अगर चाहते हो कि कोई एक म्यूज़िक आप सेट करो तो जैसे ही आप चार्जर कनेक्ट करोगे तो म्यूज़िक प्ले होगा, तो वो आप प्ले म्यूज़िक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो प्लस आइकॉन के ऊपर आपको टैप करना है और नेक्स्ट पेज पे प्ले के साइड में देखिए म्यूज़िक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए। लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप कोई एक सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप चार्जर कनेक्ट करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो जाएगा। बट रुकिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, बट अभी के लिए मैं म्यूजिक नहीं सेट करूँगा। ऐड एक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे टैप करना है और सर्च फॉर एप्स में आपको यहाँ पे स्पीक टाइप करना है। स्पीक टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे स्पीक के साइड में देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको वो चीज़ एंटर करनी है, वो चीज़ टाइप करनी है जो आप चाहते हो कि चार्जर कनेक्ट करने के बाद आपका आईफोन बोले। तो वो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि चार्जर इज़ कनेक्टेड, चार्जिंग इज़ ऑन, या फिर कुछ भी आपको जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। और अच्छी चीज़ें टाइप कीजिए, कोई फालतू चीज़ें टाइप मत कीजिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर टाइप कीजिए और अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे चार्जर कनेक्टेड करके टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चार्जर कनेक्टेड टाइप कर दिया है और डन के ऊपर क्लिक करेंगे। बट रुको, यहाँ तक स्टेप्स अभी तक पूरे नहीं हुए। वैसे वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, वो यहाँ पे चेक करना है कि साउंड कौन सा यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एरो का एक आपको ऑप्शन मिलेगा चार्जर कनेक्टेड के साइड में, जो कि मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो उस एरो के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस में मिल जाएगा कि इंग्लिश इंडिया है, वॉइस कौन सा है। तो अभी वॉइस जो है ऋषि का है, तो अगर मैं प्ले करूँ यहाँ पे चार्ज कनेक्टेड, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको वॉल्यूम आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि फीमेल वॉइस आपको सेट करना है तो इस ऋषि वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है और सीरी वॉइस वन ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे अभी मैं प्ले करूँ चार्जर कनेक्टेड, तो आप देख सकते हो कि फीमेल वॉइस में यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब दोस्तों ये चीज़ें हमने कर दी है, अब करना क्या है, अगर आपको पिच या रेट कुछ भी चेंज करना है, रेट का मतलब अगर मैं रेट का टॉगल यहाँ पे बढ़ा देता हूँ तो जो चार्जर कनेक्टेड बोलने का स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। तो वो हम नॉर्मल पे ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो पिच अगर चेंज करना है तो पिच का टॉगल आपको आगे पीछे करना है और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिए और उसके बाद में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ पे आपको आस्क बिफोर रनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, ये टॉगल आपको ऑफ कर देना है और पॉपअप मैसेज में आपको डोंट आस्क ये सिलेक्ट कर लेना है। अब सारा काम हो चुका है, डन के ऊपर यहाँ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे फ़ोन जो है होम पेज पे मैंने लाया है। अब यहाँ पे चार्जर है मेरे पास, तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूँ तो आप देख लेना कि यहाँ पे वॉल्यूम आपको किस तरीके से मिल रहा है। तो मैं चेक कर लूँ वॉल्यूम कितना है, फुल है। तो जैसे मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ तो सुन लीजिए, चार्जर कनेक्टेड। तो आपने देखा जैसे ही मैंने चार्जिंग यहाँ पे कनेक्ट किया तो चार्जर कनेक्टेड का जो टोन है वो यहाँ पे सीरी ने बोला है। अब ये सिर्फ आप चार्जर कनेक्टेड पे नहीं, आप डिसकनेक्ट पे भी कर सकते हो। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ आपको करनी है। शॉर्टकट्स ओपन कीजिए और यहाँ पे ऑटोमेशन पे आपको देखिए अब प्लस आइकॉन का ऑप्शन मिलेगा, प्लस आइकॉन पे टैप करना है, क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन सिलेक्ट कीजिए, फिर से नीचे जाइए चार्जर सिलेक्ट कीजिए और इस बार इस कनेक्टेड सिलेक्ट नहीं करना है, इस बार हमें इस डिसकनेक्टेड सिलेक्ट करना है और इस कनेक्टेड आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट के ऊपर टैप कीजिए, सेम चीज़ ऐड एक्शन में जाके स्पीक टेक्स्ट और जो टेक्स्ट आपको चाहिए चार्जर डिसकनेक्टेड या कुछ भी वो आप एंटर कर सकते हो। जल्दी से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सेट कर दिया है। अब होम पे आते हैं, चार्जर आप देख सकते हो कनेक्टेड है, जैसे ही मैं चार्जर निकालूंगा तो डिसकनेक्टेड यहाँ पे बोल देगा।
तो आपने देखा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, चार्जर कनेक्ट कर दिया, चार्जर कनेक्टेड, एंड चार्जर निकालते ही डिस्कनेक्टेड। तो बस दोस्तों, यही सिंपल ट्रिक्स आपको भी फॉलो करनी है अगर आपको आपके आईफोन में चार्जिंग साउंड चेंज करना है तो। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगी मुझे, आपको भी लगी है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो आपकी ओपिनियन। और ऐसी ट्रिक्स आपको देखना पसंद है, आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहोगे कोई भी ट्रिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे दीजिए, मैं ज़रूर यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, लाइक का बटन यहाँ पे है, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे है, दोनों पे क्लिक कर दीजिए, कंजूसी बिल्कुल मत करिए। ऐसी ही ट्रिक्स अगर आगे भी देखनी है तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।